सो फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में रोल्ड लो का सेकंड केस देखा था। तो वो क्या था, दैट इज हमने क्या किया था, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया जिससे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया था, और उसकी हमने क्या किया था, एक फैक्टर निकाला था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसके लिए, ठीक है, आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में रिलेटिवली कमी आ गई, ठीक है, तो उसको हमने किसके इक्वल रखा था, दैट इज इक्वल टू एक्सबी, ये हमने प्रूव किया था कल, आप लोगों को पता होगा। सो फाइनली आरएलवीपी किसको बोलते हैं, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गाइज, हमारा अगला टॉपिक भी यही है, राइट डाउन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो लिखिए मेरे साथ साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो हमें ये पढ़ना है आज, ठीक है। सबसे पहले लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर एनी होमोजेनस सॉल्यूशंस आर दोज विच ओनली depends upon the quantity of solute। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे। इनका ना तो सॉल्यूट के नेचर से कोई लेना देना होता है, यानी कि सॉल्यूट का नेचर उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप नोट लगा लीजिए, लिखिए मेरे साथ नोट, द नेचर ऑफ सॉल्यूट does not affect any colligative property। किसी भी colligative property को solute का nature affect नहीं करता, सिर्फ उसकी quantity affect करती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी। साथ लिख लीजिए the nature of solvent may affect the कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हालांकि सॉल्वेंट जो है उसका नेचर जरूर अफेक्ट कर सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे मैं आपको इन दोनों को भी प्रूव करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं चार तरह की, सो लिखिए देर आर फोर काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर वन इज आर एल वी पी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें यहां पर पढ़ना है, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसका नाम क्या है, आरएलवीपी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें आरएलवीपी अगर आप ध्यान से देखो तो कंप्लीटली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर कंप्लीटली डिपेंड कर रही है, जो कि यहां पर लिखा भी और हमने प्रूव भी किया था इसको कि आरएलवीपी कंप्लीटली एक्सबी पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने खत्म कर ली, अब बाकी बची हैं तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हमें करना है, कौन कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये हमें तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करनी है। जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा जो चैप्टर है वो 80-85% फिनिश हो जाएगा, फिर एक ही टॉपिक बचेगा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये बहुत सिंपल है, अब बिल्कुल हम लोग एंडिंग पॉइंट पर ही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितना जल्दी ये हो जाएगा उतनी जल्दी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसपे से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग वो करते हैं, उसके बाद हम लोग ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो फटाफट से अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो टॉपिक लिखिए और इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए. टॉपिक क्या रहेगा आपको जो नोट डाउन करना है, वो दैट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. चलिए तो चलिए गाइस, अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले लिखिए आइडियल सॉल्यूशन. लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज, पॉइंट आउट करना है आपको, ठीक है. तो पहला पॉइंट लिखिए, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच फॉलो द रोल्ट लॉ फॉर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं. मतलब समझिए, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो कि रोल्ट लॉ को फॉलो करे हर कॉन्सेंट्रेशन के लेवल पर. आप लोग याद करिए, कल हम लोगों ने क्या किया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, रोल्ट लॉ के लिए हम लोगों ने फर्स्ट केस में ग्राफ बनाया था. वो ग्राफ कैसा था याद करिए, ये प्रेशर था, ये मोल फ्रैक्शन था, ठीक है. हमने एक लाइन यहां पर यूं खींचा था, याद होगा आप लोगों को, पता है आप लोगों को, एक हमने लाइन यूं खींचा था और फाइनली ये हमारा टोटल प्रेशर था. तो जरा ध्यान से देखिए, ये तो टोटल प्रेशर ये था PT विच इज इक्वल टू PA प्लस PB, याद है, ये हमारे लिए PA था, ये हमारे लिए PB था, ठीक है. सो आप लोगों को पता होगा ये चीज तो. और यहां पर हमने क्या किया था, XA की वैल्यू 0 रखी थी, यहां पर XA की वैल्यू 1 रखी थी, यहां पर XB की वैल्यू 1 रखी थी और यहां पर XB की वैल्यू 0 रखी थी. ये हमने कल ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था, इसी को रोल्ट लॉ का ग्राफ कहते हैं, ठीक है. सो फाइनली आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कंप्लीटली इस ग्राफ को फॉलो करते हैं हर एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर, हर एक कॉन्सेंट्रेशन की रेंज पर. नीचे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखी हैं, जैसा ये ग्राफ बना हुआ अगर सॉल्यूशन उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो फाइनली वो कैसा है, एक आइडियल सॉल्यूशन है. मतलब वहां पर कोई भी डेविएशन नहीं आना चाहिए ग्राफ के, ना नीचे ना ऊपर, एज इट इज ग्राफ को फॉलो करे उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. सेकेंड पॉइंट लिखिए विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, लिखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच पी थ्योरेटिकल इज ऑलवेज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड. मतलब समझिए, यहां पर आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर उनका थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल आए. थ्योरेटिकल प्रेशर कैसा और ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसा, देखिए थ्योरेटिकल प्रेशर कल आपने निकाला था पीटी, कैसे निकाला था, दैट इज पीए प्लस पीबी, याद है आप लोगों को. और उसके लिए पीए का वैल्यू कितना था, दैट इज पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्सबी, ये आप लोगों को पता होगा. या फिर हमने एक्सए या फिर एक्सबी का वैल्यू रख दिया था, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ा था, याद है. यहां से जो आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल प्रेशर है. और अब आप ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास इसके लिए मीटर्स होते हैं, मीटर से हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक्चुअल में प्रेशर कितना आ रहा है. तो अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है. समझ में आया सबको, ये थ्योरेटिकल प्रेशर है और ऑब्जर्व्ड प्रेशर आपको किसी भी मीटर से मिल जाएगा. प्रेशर बैरोमीटर से मेजर करते हैं हम लोग, बैरोमीटर से अगर आप उस सॉल्यूशन का प्रेशर नाप लोगे तो अगर वो थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्वल आ गया तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है. ये दूसरा केस हो गया, मैं वापस बता देता हूं. पहला केस, अगर पूरी रेंज में कोई भी सॉल्यूशन इस ग्राफ को, यानी कि जो रोल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे, वो हमारे लिए क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन. दूसरा, जिसका थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल आ जाए, वो हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है. तीसरा, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, लिखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, मैं लिख देता हूं डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो. यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू जीरो. अब ये कैसे हो गया, बड़े ध्यान से समझिएगा. आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं यहां पर डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो. अब इसका मतलब क्या है, जरा देखिए, यहां पर सपोज कि मैंने यहां पर एक सोल्यूट लिया जिसको मैंने ए बोल दिया, और वो कितना है, सपोज वो है 5 ml, मान लेते हैं. हमने एक सॉल्वेंट लिया जिसको मैंने बी बोल दिया और वो भी कितना है, 5 ml, ये भी मान लेते हैं. अब मैंने इससे एक नया सॉल्यूशन तैयार किया दोनों को ऐड करके, प्लस करके, दिख रहा है.
अगर मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन तैयार किया है और वो अगर निकल के आता है 10 ml, जरा ध्यान से चेक करो, ये हमारा सॉल्यूशन है। इन दोनों को मिक्स किया, इसको इस बीकर में डाल दिया, इसको भी इस बीकर में डाल दिया और फाइनली वो 10 ml निकल के आए, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारे लिए क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। यहां पर आपने एक बीकर और एक बीकर को मिक्स किया और फाइनली ये 5 ml था, ये 5 ml था और फाइनली ये भी कितना आ रहा है, 5 और 5 10 ml आ रहा है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारे लिए एक आइडियल सॉल्यूशन है। सबको समझ में आ गया? और यहां पर डेल्टा बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको डेल्टा बी का वैल्यू निकालना है, दैट इज वी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये आप लिख लीजिए, आपको काम देगा। ये फॉर्मूला है डेल्टा वी निकालने का, दैट इज वी ऑफ सॉल्यूशन माइनस वी ऑफ सॉल्यूट प्लस वी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है, 5, सॉल्वेंट कितना है, 5, ये भी कितना हुआ, 10, ये भी कितना हुआ, 10 दिखाई दे रहा है। तो फाइनली डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट कि यहां पर थर्ड जो फैक्टर है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, जहां पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो, 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, जो मैं यही लिख देता हूं। फाइनली फोर्थ पॉइंट क्या है, लिखिए, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच ए इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन एंड बी इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए बी इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन। दोबारा बोल देता हूं, देखिए, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच ए इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन एंड बी इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए बी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। ए इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन को आप यूं भी लिख सकते हो, सॉल्यूट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, सॉल्वेंट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये किसके इक्वल होंगे, सॉल्यूट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन के इक्वल होंगे, सॉल्वेंट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन के इक्वल होंगे। सबसे पहले लिख लो, फिर समझाता हूं। लिख लिया सब लोगों ने, सो फाइनली इसका मतलब समझें कि यहां पर हमने क्या किया, जरा चेक करो, मैं ऊपर अप कर देता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया तो चलो आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। सो फाइनली जरा इस पॉइंट को समझें जो मैंने आपको लिखवाया है, जरा चेक कीजिए वो पॉइंट क्या कहता है आपसे। नाउ लुक एट इट, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, सपोज ये हमारे पास सॉल्यूट है जिसको ए बोल रहे थे, और ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है, और ये हमारे पास बी है, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो इक्वल है जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो। आपने इसको इसके अंदर और इसको इसके अंदर डाल के सॉल्यूशन तैयार किया, और सॉल्यूशन में अब क्या होने वाला है, ए और बी के बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होने वाला है। तो यहां पर ये ए है, ये बी है, तो मैं यहां पर ये पॉइंट कहना चाहता हूं कि जो ए के बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है और जो बी के बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो इक्वल होना चाहिए ए बी के इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन के। ये ए है, ये बी है, और ये है ए बी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन आपस में इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये फोर्थ थिंग है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है आइडियल सॉल्यूशन के केस में। फाइनली मैं इसको समराइज भी कराऊंगा, बट बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कौन से होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कईयों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बट वो सारे के सारे वीक बॉन्ड्स हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, यहां पर जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहां पर जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होंगे तीनों केसेस में। अगर ऐसा हुआ तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब फाइनल लास्ट पर चलते हैं, देखिए फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, सो फाइनली व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट, देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, विच इज लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लिखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझें, उसके बाद मैं आपको इनके एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। तो जरा देखें, सो आइए, अब जानते कि डेल्टा एच की वैल्यू जीरो कैसे हो गई, तो जरा चेक करो।
इसको बड़े ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर ए ए और बी बी के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है ए बी के मोलिक्यूल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो जरा देखिए यहां पर हुआ क्या है, जरा चेक करो। सबसे पहले ए और ए जो कि सोल्यूट है उनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बॉन्ड के थ्रू दिखा देते हैं, और साथ ही साथ बी और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बॉन्ड से दिखा देते हैं, और फाइनली यहां पर ए ए और बी बी को जब आपने मिक्स किया तो आपके पास यहां पर ए बी बना। अब आप बताइए कि ए बी कितने बनेंगे, बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर कितने दो ए दो बी, तो यहां पर मैं दो लगा दूं। अब जरा ध्यान से देखिए ये हुआ कैसे होगा, मॉलिक्यूल्स में ए ए और बी बी के मिक्सिंग से ए बी कैसे बना होगा। तो सबसे पहले आपको ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, उसी के साथ ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब खास बात पर आते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्वल है तो यहां पर इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कितनी एनर्जी दी, 10, यहां पर कितनी दी, 10, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली जरा देखिए यहां पर 10 एनर्जी दी, यहां पर 10 एनर्जी दी, और यहां पर आपको पता होना चाहिए जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए यहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ तीनों की इक्वल है, तो बताइए यहां पर बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, इक्वल है तो यहां भी 10 ही होगी। कितनी रिलीज होगी, देखिए टू टाइम्स ए बी, कितने मॉलिक्यूल यहां पर ए बी के टाइप के, कितने यहां पर आपको सब्सटेंसेस हैं, दो, तो फाइनली टू टाइम्स रिलीज होगी, तो 2 × 10। अब देखिए आपने लगाई कितनी, यहां पर ये आपने डिलीवर की है, लगाई है, तो यहां पर आपने लगाई कितनी एनर्जी, जरा चेक करो, सप्लाई कितनी की 20, सबको समझ में आ गया, ये तो प्लस में होगी, रिलीज कितनी हुई -20, ये रिलीज हो गई है, इतनी आपने दी इतनी रिलीज हो गई, ओवरऑल डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो गया 0। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूं, ये +20 आपने एनर्जी दी और ये 20 एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब यहां से जो रिलीज हुई वही लग गई, ऐसा समझे। तो हमने बाहर से एनर्जी दी क्या, नो एंथैल्पी गिवन, सो फाइनली यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो गया, सो फाइनली डेल्टा एच का वैल्यू यहां पर 0 हो गया, मतलब ये निकलता है इसका, ठीक है। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं फाइनली एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि मैंने आपको क्या करवाया, और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया आपने, तो चलिए अब मैं आपको यहीं पे इसको समराइज करके इसके एग्जांपल दे देता हूं आइडियल सॉल्यूशन के, तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा। सो फाइनली 5 पॉइंट है जिसको आपको गौर से देखना होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पर सबसे पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि रोल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करें। देखिए जरा ध्यान से, रोल्ट लॉ कौन सा, ये वाला, याद करो ये हमारा रोल्ट लॉ था। इस ग्राफ को कंप्लीटली अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन फॉलोइंग रोल्ट लॉ। पहला पॉइंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो गया, तो समरी लिख लो आपको याद रह जाएगा, फॉलोइंग रोल्ट लॉ। समझ पा रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यहां पर पी थियोरेटिकल इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहा हूं, सीधे सीधे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जहां पर डेल्टा वी का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा वी का वैल्यू 0 होता है, यह आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कौन सा हुआ, ऐसे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर ए ए के बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बी बी के बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इक्वल होता है किसके, ए बी के बीच के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के। पांचवा पॉइंट क्या है, ऐसे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं जहां पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होती है, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होता है, थियोरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल होता है, रोल्ट लॉ को फॉलो करता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स मैं इस तरफ लिख रहा हूं, तो आप इनके एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए और बड़े ध्यान से इसको समझिए। लिखिए एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार सीधे पूछे जाते हैं कि यहाँ पर जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए जैसे कि बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बेंजीन एंड टोल्यूइन अगर आप इनको मिक्स करते हैं तो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो देखिए बेंजीन क्या होता है, इसको आप बेंजीन कहते हैं, देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। नाउ दिस इज बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, और टोल्यूइन किसको बोलते हैं, टोल्यूइन इसको बोलते हैं। नाउ लुक एट इट, नाउ दिस इज टोल्यूइन, यहां पर C7 है और H कितने, जरा चेक करो, H होंगे यहां पर 8,
इसको टोल्यूइन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के लगाया ना आपने, छह हाइड्रोजन थे एक हटा दिया, पांच बचे और तीन ये रहे, आठ, इसको टोल्यूइन कहते हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, सेकंड कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, यहां पर एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है। ये एग्जांपल भी किसका होता है, ये तो बहुत सिंपल है, एन हेक्सेन, ये देखिए एन हेक्सेन मतलब सी सिक्स, कार्बन कितने होंगे छह और हाइड्रोजन कितने होंगे टोटल टू एन प्लस टू, सो फाइनली यहां पर कार्बन छह हुए तो हाइड्रोजन होंगे टोटल 14, ठीक है, और एन हेप्टेन का मतलब कार्बन सात होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे 16, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी किसका हो गया हमारे पास, आइडियल सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैं आप लोगों को एक और दे देता हूं, नाउ थर्ड एग्जांपल इज, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, यहां पर पता है खास बात क्या है, ये अगर इनके मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट आसपास हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जैसे कि बेंजीन टोल्यूइन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फिर इथेन क्लोराइड, आप वो एग्जांपल भी ले सकते हैं, इथेन क्लोराइड, ठीक है, एंड इथेन ब्रोमाइड, इथेन ब्रोमाइड, ऐसे एग्जांपल्स आपको किसके किसके मिलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के मिलेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, बेंजीन टोल्यूइन एन हेक्सेन एन हेप्टेन इथेन क्लोराइड इथेन ब्रोमाइड, ऐसे एग्जांपल आपको किसके होंगे, आइडियल सॉल्यूशन के। सो आई होप आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ेगा, ये पांच पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। सो चलिए गाइस, लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन से जो हमने लास्ट में पढ़े थे। आप लोग याद करिए कि मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको पांच करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, उसमें सेकंड करेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, कि आइडियल सॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं जहां पर थियोरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर आ जाए, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। सो फाइनली थियोरेटिकल प्रेशर आप कहां से लाते हैं, उसके लिए रोल्ट ने फॉर्मूला दिया है। ऑब्जर्व्ड प्रेशर कहां से लाओगे, आप इसके लिए मीटर का इस्तेमाल कीजिए, बैरोमीटर को इस्तेमाल करके आप उसको मेजर कर सकते हैं। सो अगर थियोरेटिकल प्रेशर किसी सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल आ गया तो आपके लिए वो आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जहां पर थियोरेटिकल प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर, जहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर थियोरेटिकल प्रेशर के बराबर बिल्कुल नहीं आने वाला। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इक्वल नहीं है तो यहां पर दो कंडीशन बनेगी, या तो जरा चेक कीजिए दो कंडीशन कौन सी होगी, पहली कंडीशन या तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर थियोरेटिकल प्रेशर से ज्यादा हो, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, या तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर थियोरेटिकल प्रेशर से कम हो, यही दो कंडीशन बनेगी, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। सो अगर ज्यादा हुआ तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड, positively deviated non-ideal solution। तो ध्यान से लिखिएगा, इसको हम लोग positively deviated non-ideal solution बोलते हैं, जबकि अगर observed pressure theoretical pressure से कम हो तो इसको हम लोग negatively deviated non-ideal solution कहते हैं, negatively deviated non-ideal solution कहते हैं। सो चलिए, अब सवाल ये कि इनको ऐसा नाम ही क्यों दिया, positively deviated and negatively deviated, सिंपल बात है, आप उसके फर्स्ट पॉइंट को याद कीजिए, आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रोड लॉ के ग्राफ को कंप्लीटली फॉलो करें। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से हुए, जो कि रोड लॉ के ग्राफ को फॉलो ना करें तो वहां दो बनेगा, या तो वो उससे ऊपर होंगे तो उन्हें हम पॉजिटिवली डेविएटेड कहेंगे, या फिर उस ग्राफ से नीचे होंगे तो उन्हें हम नेगेटिवली डेविएटेड कहेंगे। देखिए कैसे, ये इनका फर्स्ट डिफरेंस भी है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको तुरंत जल्दी से समझ में आए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ एक्चुअली आइडियल ग्राफ से ऊपर होते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं। तो आइडियल ग्राफ बनाइए पहले, यहां पर प्रेशर ले लेते हैं, यहां पर मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर आइडियल ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, तो आपका ये एक लाइन था स्ट्रेट लाइन, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, ये आपका दूसरा लाइन, और आपका जो टोटल प्रेशर था वो ये था, ये टोटल प्रेशर आपके लिए पीटी मैं इस तरफ लिख देता हूं क्योंकि मुझे अभी यूज इसका पड़ेगा। सो ये टोटल प्रेशर का ग्राफ था, आपको सबको पता है। सो फाइनली पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ कैसे होते हैं, इस आइडियल ग्राफ से पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, कैसे जरा चेक करो, यहां से वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, देखिए इससे ऊपर की तरफ सभी लाइंस में इससे ऊपर की तरफ बन रहा है, जरा चेक कीजिए। आपने क्या किया, दो ऐसे यहां पर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया है जिनका वेपर प्रेशर जो है थ्योरेटिकल से ज्यादा आ रहा है, कैसे हो सकता है वो जरा सोचिए। आपने दो ऐसी चीजें मिक्स कर दी, आप इमेजिन करना शुरू करिए, ये मान लीजिए आपके पास
एक सोल्यूट था, ठीक है, ए ए टाइप का, और ये आपके पास एक सोलवेंट था, ध्यान से समझिएगा इसको, बी बी टाइप का। अब खास बात यह कि अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो यहां पर ए का मोलिक्यूल बी के मोलिक्यूल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा। ये तभी पॉसिबल है अगर वीक है, क्योंकि दे डोंट लाइक ईच अदर, ए और बी दे हेट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, और अगर एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कम बॉइलिंग पॉइंट पर वो बॉइल हो जाएंगे, जिससे वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, जैसे कि इथेनॉल यानी कि C2H5OH प्लस वाटर, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स दे हेट ईच अदर, तो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता है फाइनली, और वो पॉजिटिवली डेविएटेड हो जाते हैं, यहां पर वेपर प्रेशर आसानी से बनने लगता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं बजाय अट्रैक्ट करने के। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके ग्राफ कैसे होंगे, आइडियल ग्राफ से ऊपर की तरफ, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। और ये एग्जाम्पल है उसका, एग्जाम्पल मैं बाद में भी लिखवाता, मैं आपको पहले ही लिखवा रहा हूं। इथेनॉल प्लस वाटर जो आपका सॉल्यूशन होता है, सवाल काफी बार पूछा जाता है ये कैसा है, ये पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें जो आपका ग्राफ होता है वो रोल्ट लो के एक्चुअल आइडियल ग्राफ से ऊपर की तरफ आता है। तो हम लोग यहां पर नेगेटिवली डेविएटेड की भी बात कर लेते हैं एक साथ, ताकि दोनों एक साथ कवर हो जाए और याद भी हो जाए। नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ कैसा आएगा, वो आपके आइडियल ग्राफ से नेगेटिवली डेविएटेड यानी कि नीचे की तरफ होगा। तो चलो आप सबसे पहले आइडियल ग्राफ बनाइए। ये हमारा आइडियल ग्राफ था, सबको पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। ये हमारा टोटल प्रेशर हो गया, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, ये हमारा टोटल प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर लेते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लेते हैं, सबको मालूम है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिवली डेविएटेड का सेंस क्या है, कि एक्चुअल में जो ग्राफ आएगा वो इससे नीचे की तरफ होगा। देखिए यहां पर ये नीचे की तरफ, यानी कि आपने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया है जिनके मॉलिक्यूल आपस में दे लव ईच अदर, दे लाइक ईच अदर। कैसे हो सकता है ये जरा चेक कीजिए, एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है पहले के मुकाबले कम आ रहा है, यानी कि आइडियल से कम आ रहा है। आइडियल से कम आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रहा ए ए जिसको हम लोग सॉल्यूट कह सकते हैं, और ये रहे बी बी जिसको हम लोग सॉल्वेंट कह सकते हैं। जब आपने इसको मिक्स किया तो ए और बी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। बढ़ गया मतलब इसका मतलब ये हो गया इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब ये कम टेम्परेचर पे बॉइल नहीं होंगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले कम बनेगा, आइडियल से नीचे की तरफ आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया, कोई भी एसिड ले लो, सपोज HCl प्लस वाटर, ठीक है, HCl प्लस वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो कि नेगेटिवली डेविएटेड का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल, आप एसेटोन, एसेटोन ले लो, एसेटोन, मैं सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं, एसेटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसेटोन और क्लोरोफॉर्म, मैं आपको मैं यहां पर ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा। एसेटोन और क्लोरोफॉर्म का जो एग्जांपल है, ईथर और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल है, वो नेगेटिवली डेविएटेड में आता है, यानी कि इनको अगर आप मिक्स करोगे तो फाइनली वेपर प्रेशर में कमी आएगी बजाय बढ़ने के। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब जब मैंने आपसे कहा कि यहां पर ए और बी यानी कि पॉजिटिवली डेविएटेड के अंदर ए और बी एक दूसरे को क्या करते हैं, हेट करते हैं, यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट बन गया। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर ये लिखोगे दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, बिटवीन ए बी इज वीकर, इज वीकर, वीकर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ए ए एंड बी बी। ये तो मतलब निकला कि ए ए और बी बी में ज्यादा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था एज कंपेयर टू ए बी, ठीक है। सो ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, दे रिपेल ईच अदर, इसलिए तो वहां पर वेपर ज्यादा बन रही है, तो आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। सिंपल, तो यहां पर आप सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे द इंटरमोलिक्यूलर, लिखते जाइए इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी इज मोर, इज मोर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ए ए और बी बी, ए ए और बी बी। यहां पर ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा है, इसीलिए वेपर कम बन रही है। तो ये आपके साफ साफ दो पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। सो चलिए गाइज आगे चलते हैं। हमने दो पॉइंट अभी कवर कर लिए, तीन पॉइंट बाकी हैं कि पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्क क्या है। तो देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट लिखिए,
इन पॉजिटिवली डेबिटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिवली डेबिटेड के लिए डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा. मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो. अब ये कैसे हो गया जरा चेक करो. देखिए हुआ कुछ यूं, जरा ध्यान से समझिएगा. यहां पर ये ए ए और ये बी बी, ये ए ए के मॉलिक्यूल्स थे. यहां पर मैं लिख देता हूं ये ए ए और ये बी बी के मॉलिक्यूल्स थे. अब खास बात ये है पॉजिटिवली डेबिटेड में, अगर आपने ए ए और बी बी को मिक्स किया तो एक्चुअल में क्या होगा, ए और बी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दे हेट ईच अदर. तो यहां पर क्या हुआ जरा चेक करो. ऑटोमेटिकली खुद से ही सोचो कि यहां पर हुआ कुछ यूं कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ ही गया ना गाइज. समझ पाए आप. सो फाइनली डेल्टा वी किसको बोलते हैं. डेल्टा वी का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ऑब्वियसली बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर ए और बी एक दूसरे को ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे, रिपेल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया. एज कंपेयर टू विच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या करोगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. तो यहां पर ऑब्वियसली डेटा क्या आएगा, जरा खुद से ही दिमाग लगाओ, ये डेटा ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो आएगा. समझ पा रहे हैं आप. सो यहां पर ये मतलब निकलता है इसका, ये थर्ड पॉइंट हुआ. सो अगर पॉजिटिवली डेबिटेड में ये सीन है तो नेगेटिवली डेबिटेड में क्या होगा, यहां पर डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम फॉर सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन जीरो. अब ये कैसे हो गया, आइडियल के लिए इक्वल था लेकिन यहां लेस देन और यहां मोर देन है. यहां पर लेस देन क्यों है जरा सोचो, वही केस है. यहां पर ये ए ए मान लेते हैं, जरा चेक करो, यहां पर ये ए ए के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर ये बी बी के मॉलिक्यूल्स हैं. लेकिन मजे की बात ये है कि यहां पर जब आप ए और बी को मिक्स करेंगे दे लाइक ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहां पर सीन कुछ ऐसा बैठेगा कि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा जिससे वो और पास आ जाएंगे और वॉल्यूम सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू दीज टू घट जाएगा. तो यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो. आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं. तो यहां पर कंपैरिजन कर लीजिए. यहां पर एसेटोन, मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे मैंने एसेटोन लिखा तो मैंने क्यों लिखा, मैं एग्जांपल दे देता हूं. देखिए अगर सिर्फ एसेटोन की बात कीजिए, ये देखिए CH3CO CH3, इसको एसेटोन बोलते हैं. कई लोगों को नहीं पता होगा नेल पॉलिश रिमूवर में होता है ये. तो आप खुद ही सोचिए इसके अगर दो मॉलिक्यूल लोगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होते हैं, वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता नहीं. लेकिन अगर आपने इस एसेटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ डाल दिया, नाउ व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3. तो आप देखो यहां पर ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, और यहां पर आपने क्या किया बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके बना देता हूं. यहां पर ये एसेटोन है, तो जरा चेक कीजिए ये एसेटोन है, ठीक है. सो यहां पर ये तो हो गया एसेटोन और यहां पर ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म. तो अब होगा कुछ यूं, अगर आपने एसेटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू लास्ट वन. एसेटोन एक दूसरे को सिर्फ वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होते हैं, जबकि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से बन जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड सबको पता है स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो डायग्राम बना लीजिएगा, इसकी वजह से यहां पर वॉल्यूम घट जाता है एज कंपेयर टू आइडियल वन, ठीक है. सो ये मतलब निकलता है थर्ड पॉइंट का. चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. अभी सबको समझ में आ गया कि इसका सीन क्या है. Now we'll talk about fourth point. चौथा पॉइंट देखिए क्या है. यहां पर for positively deviated non-ideal solution, delta H of solution is always greater than zero. यहां पर delta H of solution हमेशा greater than zero होगा. अब खुद से सोचिए जो last example दिया कैसे, इसको यही example से समझ सकते हैं. तो देखिए यहां पर हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि यहां पर A और A के बीच में और B के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसको मैं बॉन्ड से दिखा देता हूं. अब आपने इसको मिक्स करके A और B में कन्वर्ट कर दिया, कितने मोल बने, दो. अब बड़े ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में हो कुछ यू रहा है कि यहां पर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस. यही तो हम बार बार बोल रहे हैं, ए और बी का यहां पर रिपल्शन हो रहा है एज कंपेयर टू दिस. वो लाइक नहीं करते एक दूसरे को, यहां पर इसका मतलब ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं. अब आप खुद ही सोचिए, जरा ध्यान से इसको देखिए. इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है और इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो ज्यादा है. कितना, मान लीजिए इसकी 10 है, इसकी 10 है, लेकिन इसको यहां पर बॉन्ड को बनने में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है. क्यों, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है बेसिकली वो खुद वीक है. आपको पता होना चाहिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड वीक है तो एनर्जी कम रिलीज होती है. तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर कम रिलीज, एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 6 है तो 2 के रिस्पेक्ट में कितनी हुई, सिर्फ 12.
तो यहां पर सीन क्या है, आपको 20 तो देनी पड़ गई लेकिन रिलीज कितनी हुई, 12। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जरा समझिए। ये एनर्जी तो आपको देनी पड़ी है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा ध्यान से देखो, ये 10 आपको जूल एनर्जी देनी पड़ी ए और ए को तोड़ने में, ये 10 बी और बी को तोड़ने में। ऐसा मान लेते कि इनकी बॉन्ड एनर्जी सिमिलर थी, मान ली, लेकिन जब ए और बी को आपने मिक्स किया तो यहां पर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर ए और बी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है। तो मैं एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 6 बोलूं तो यहां पर बॉन्ड बने हैं 2, तो 2 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया टोटल 12। तो यहां पर लग रही है एनर्जी प्लस की 20, रिलीज हो रही है माइनस की 12। तो इसका मतलब आप चेक करो यहां पर टोटल एनर्जी एसोसिएटेड पॉजिटिव है कि नहीं है, इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। तो आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर है क्या? सो दिस इज अ फोर्थ पॉइंट। चलिए उस तरफ फोर्थ पॉइंट को कैसे लिखेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इन दिस केस इज डेल्टा जी इज ऑलवेज, डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेस देन 0 कैसे आ गया, खुद ही सोचो, वही वाला एग्जांपल लो। यहां पर ए और ए के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बी और बी के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और आप इससे क्या बना रहे हो, ट्वाइस ऑफ ए और बी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही सेम एग्जांपल लो, सबसे पहले आपको ए और ए को तोड़ना पड़ेगा, मान लो यहां पर 10 एनर्जी लगी, बी और बी को तोड़ना पड़ेगा, मान लो यहां पर 10 जूल एनर्जी लगी, मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी मान के चलिए कि इन दोनों के जो बॉन्ड एनर्जी है वो सिमिलर है, लेकिन मजे की बात ए और बी में जो बॉन्ड बन रहा है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे लाइक ईच अदर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 12 मान लो, तो दो बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 24। जरा चेक करो, एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 12 मान लो, बॉन्ड है यहां पर 2, तो बॉन्ड को दो बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 24, ठीक है। तो यहां पर जरा चेक करो, ये तो है पॉजिटिव क्योंकि आपने एनर्जी दी, ये है नेगेटिव क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई। तो जरा चेक करो, प्लस के कितने है 20, माइनस के कितने है 24, आंसर कितना आ रहा है -4, इट्स लेस देन 0। तो ये पॉइंट निकल के आता है फाइनली कि यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है फॉर सॉल्यूशन, यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0 होता है फॉर सॉल्यूशन। और ये सिर्फ मैंने डेटा एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। तो आई थिंक आप लोगों को चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सो चलिए गाइज, लास्ट पॉइंट देखते हैं इन दोनों में लास्ट डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ हम लोग एग्जांपल भी चेक करेंगे एक साथ, ठीक है। सो फाइनली लास्ट पॉइंट, खैर मैं पहले लिखवा चुका, तो फिफ्थ पॉइंट लिखिए। देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर, पॉजिटिवली डेविएटेड में पार्शियल प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड होगा वो ग्रेटर देन होगा थियोरेटिकल से। ये एग्जैक्टली पॉइंट मैं लिखवा चुका था, लेकिन क्योंकि मैंने आइडियल सॉल्यूशन में 5 लिखाए थे तो आप यहां पर भी 5 लिख लीजिए। और यहां पर फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा, यहां पर जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आएगा वो एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर से यानी कि थियोरेटिकल प्रेशर से क्या होगा, कम। अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल, और ये मैं चीज पहले आपको इसको समझा चुका हूं। अब एग्जांपल लिखिए, अब यहां पर एग्जांपल देखिए सबसे पहले, तो एग्जांपल कौन कौन से हैं जो कि आपको पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन देंगे, तो फटाफट से देखिए। सबसे पहला एग्जांपल है CH3OH यानी कि मिथेनॉल प्लस वाटर, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर C2H5OH प्लस H2O, ये लिख लिया आप लोगों ने। थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, थर्ड एग्जांपल है CO2 प्लस एसीटोन, ये आपको मगअप करने पड़ेंगे। फोर्थ एग्जांपल है CCl4 प्लस एसीटोन, आप एक बार देखिए ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। ये चार एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बुक में और भी एग्जांपल होंगे, आप प्रैक्टिस करिए। आपको यानी कि ये एग्जांपल तो ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे गए, इसके अलावा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए और कौन से एग्जांपल है, वो आपको मगअप करने पड़ेंगे गाइस। सो ये आपके पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। यहां पर हम लोगों को किसके एग्जांपल देखने हैं, नेगेटिवली डेविएटेड के। तो यहां पर एग्जांपल देखिए, जैसे कि एज इट इज मैंने कहा था आपसे, सबसे पहला और प्राइम एग्जांपल है जो काफी बार पूछा जाता है, दैट इज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यहां पर एग्जांपल ये ले सकते हो, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल यहां पर ले सकते हो ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, वो ले लो, प्लस क्लोरोफॉर्म आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये क्लोरोफॉर्म, ये एग्जांपल सिंपल है। थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हो HCl प्लस वाटर, कोई भी एसिड ले लो प्लस वाटर ले लो। फोर्थ एग्जांपल आप ले सकते हो HNO3 प्लस वाटर, एक प्राइम एग्जांपल दे रहा हूं जिसके ऊपर सवाल लास्ट ईयर आया था, और वो है फिनॉल प्लस एनिलीन, ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, यहां पर फिनॉल होता है ये बेंजीन रिंग पे आप जब OH ग्रुप लगा दें तो उसको फिनॉल बोलते हैं, और बेंजीन रिंग पे जब आप क्या लगा दें, आप NH2 लगा दें, तो उसको एनिलीन बोलते हैं,
ये एसिडिक नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए यहां पर ये अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे और ये नेगेटिवली डेबिटेड में काउंट होते हैं। तो ये पांच एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं जिसमें से ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा गया है, इसके अलावा ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा गया। सो फाइनली यहां पर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों खत्म हो गए। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं यहां पर हट जा रहा हूं। सो चलिए गाइज, आज का टॉपिक हमारा सबसे पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे एक एडवांस आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूं। तो सबसे पहले लिखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि हम लोग ये समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। सो राइट डाउन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिखिए फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, जरा चेक कीजिए। किसी भी लिक्विड के लिए अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से चेक कीजिएगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे देखिए, दोबारा समझा देता हूं। किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सो फाइनली जरा चेक कीजिए, सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक प्योर कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई प्योर लिक्विड ले लेते हैं, अभी हम लोग उसको इस्तेमाल भी करेंगे। सो प्योर लिक्विड ले लेते हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको ग्राफिकली इसको समझाता हूं। सपोज यहां पर मैं ले रहा हूं वेपर प्रेशर, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर मैं लेता हूं टेम्परेचर, ठीक है। धीरे धीरे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और ये मान लीजिए वेपर प्रेशर यहां पर कितना है, ये वो लाइन है जहां पर वेपर प्रेशर होना चाहिए कितने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो वहां पर मैं मान लेता हूं कि वेपर प्रेशर ये वाला लाइन कौन सा है, 1 atm वाला लाइन है, ठीक है। सो दिस इज 1 atm लाइन, ठीक है। अब जरा समझिए, सबसे पहले आपने ये लिक्विड लिया और ये लिक्विड अभी तो रूम टेम्परेचर पर है, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना, 25 degrees Celsius, व्हाटएवर। सो यहां पर तो अभी लिक्विड फॉर्म में ही है, तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए। टेम्परेचर यहां से 0 से शुरू होता है, ये मान लीजिए 25, और यहां पर इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, तो मान लीजिए पॉइंट इतना है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर सिर्फ इतना ही बन रहा है। अब धीरे धीरे आप क्या कीजिए, बर्नर लगाइए और यहां पर इसको हीटअप करना शुरू कीजिए। मान लीजिए प्योर वाटर होता और 25 degrees Celsius पर होता, तो फाइनली ये अभी तो बॉइल नहीं होने वाला, तो आप धीरे धीरे इसको बॉइल करके कहां लेके जाओगे, 100 degrees Celsius पर। हमको सबको पता है कि वाटर के लिए 100 degrees Celsius होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, धीरे धीरे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और टेम्परेचर बढ़ाने से हो क्या रहा है, बेसिकली यहां पर धीरे धीरे उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो प्योर आपने लिक्विड लिया है उसका वेपर प्रेशर, जरा ध्यान से इसको चेक कीजिएगा, उसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को कट कर जाए, तो बस वही हमारे लिए क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तब आप कैलकुलेट करते हो जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, यानी कि इस पॉइंट पर जैसे ही कट किया तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे डिसाइड करते हैं। सो ये किसी प्योर हमारे पास सॉल्वेंट का था ऐसा मान लीजिए। अब देखिए बड़े ध्यान से, अब ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, और हमने यहां पर क्या किया, कोई प्योर सॉल्वेंट लिया उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया, जैसे कि प्योर वाटर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। अब आपने अचानक से क्या किया, उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल। बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसे सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो अभी तो आपने सॉल्वेंट लिया, मान लो कि आपने पानी लिया, अचानक से आपने क्या किया, अब इसके अंदर आपने इस पानी के साथ साथ कोई भी सॉल्वेंट ऐड कर दिया। मान लेते हैं आपने ऊपर से शुगर डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, यूरिया डाल दिया, जो भी मानिए आपने, जब ग्लूकोज शुगर या यूरिया में से कुछ भी डाल दिया तो सरफेस पर अब किसके पार्टिकल आ जाएंगे, सॉल्यूट के साथ में पार्टिकल आ जाएंगे, जो कि खुद कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल। अब जरा समझिए, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं
कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में कुछ इंप्योरिटी या सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो देखिए ये तो था प्योर वाले का लाइन, तो उसका वेपर था 25 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर प्रेशर इतना था। अचानक से आपने उसके अंदर ऊपर से एक सॉल्यूट डाल दिया, बड़े ध्यान से समझिएगा, अचानक से आपने उसके ऊपर से एक सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सपोज वो वेपर प्रेशर अब कितना रह गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे इस पॉइंट पर आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट सबको दिखाई दे रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, जब वो प्योर स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, वो कितना था, नंबर वन पॉइंट पर था। अचानक से आपने उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, और ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है कि कोई भी प्योर लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अचानक से आपने उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसको ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा ना 180 तक जाने के लिए, जरा ध्यान से समझिए। सो फाइनली अब आप क्या कर रहे हो, जरा चेक कीजिए, नाउ लुक एट इट। अब आप यहां से शुरू कर रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, अब आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देर तक देना पड़ेगा, जरा समझिए इसको। फाइनली आपने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। अब देखिए, अब एक वक्त ऐसा आया जब इसने क्या किया, इसने कट किया किसको, कौन सी वाली लाइन को, ये पॉइंट नंबर वन है, ये पॉइंट नंबर टू है, या वन डैश और टू डैश मान लो। अब एक वक्त ऐसा आया कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि इसका वेपर प्रेशर किसको कट कर गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट कर गया। फाइनली जरा इसका अब बॉइलिंग पॉइंट चेक करो कितना आता है, इसको नीचे लेके जाओ, ये देखिए फटाफट से। ये हमारे पास, ये तो था किसका, प्योर वाले का, जिसको हमने नाम दिया टीबी नॉट। अब ये तो प्योर वाले का नहीं है, इसको नाम दे देते हैं टीबी, और ये किसका है, सॉल्यूशन का, ये है प्योर सॉल्वेंट का। बड़े ध्यान से लिखिएगा, ग्राफ अच्छे से बनाइएगा। फाइनली जरा ध्यान से देखो हुआ क्या, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट डालते ही फाइनली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब यही हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यह है कि कोई चीज अगर प्योर है और उसमें आप इंप्योरिटी ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और क्योंकि ये बढ़ गया है इसलिए टॉपिक का नाम भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो मतलब समझिए कि आपको ये टॉपिक बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली अब आपको करना क्या है, एक गैप को हम लोग कितना मानेंगे, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है दैट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो फाइनली चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे लिखेंगे, डेल्टा टीबी से। अब आप जरा समझिए, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया, पहले था टीबी नॉट, फाइनली ये हो गया टीबी, सबको दिखाई दे रहा है। सो अब आपको क्या करना है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, इसको हम लोग बोलेंगे ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम चेक करें कि भाई कितना बड़ा, उसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही कहेंगे, यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले देखो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सो फाइनली डेल्टा टीबी का मतलब हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसके इक्वल हुआ, दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट। यही तो फर्क आया कि आप ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, टीबी माइनस टीबी नॉट, आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में एलिवेशन कितना आया, कितना बड़ा। अब सपोज प्योर वाटर लिया होता तो ये 100 होता, अब आपने उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह जो भी डाल दिया तो मान लो 105 पर अब बॉइल हो रहा है, तो बताइए कितना एलिवेशन आया, तो 105 में से आप 100 को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यही मतलब निकला कि एलिवेशन कितना हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस का। सबको समझ में आ गया, तो इसका मतलब डेल्टा टीबी, जिसको हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। सबको समझ में आ गया। अब एक बात जरा सोचिए, एक्चुअल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया क्यों, क्योंकि हमने यहां पर सॉल्यूट ऐड किया, तो इसका मतलब कंप्लीटली सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट। हम लोग कह सकते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जब भी आप किसी को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम यहां पर, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी लें, तो देखिए यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो लेनी है, बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने कौन सी यूज करी जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। अगर आपने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट ले ली तो इसका मतलब यहां तो टेम्परेचर का ही खेल है, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो वो तो नहीं लेनी। तो फाइनली आपको क्या करना है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी ली उन्होंने, नाउ लुक एट इट, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी उन्होंने कौन सी टर्म यूज की, मोलैलिटी, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है, वी ऑल नो।
तो बड़े ध्यान से समझिएगा, कई बच्चे कहते हैं सर कोई और क्यों नहीं यूज करी, तो देखो आपकी बुक में अगर किसी ने ये थ्योरम लिखी और उसको उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हमारे हिसाब से, जो थ्योरम जैसे है उसको पढ़ना तो वैसे ही है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुए या जिस भी साइंटिस्ट ने किए उसने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस्तेमाल किया हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और यहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी इस्तेमाल की गई, मोलैलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअल में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया वो सोल्यूट की क्वांटिटी की वजह से आया। सो फाइनली इसका मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब हो गया कि आपने कितना सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट में डाला है, मोलैलिटी का मतलब तो यही हुआ ना। तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए, मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर मैं एक कॉन्स्टेंट लगा रहा हूं, डेल्टा टी बी नाउ इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ध्यान से समझिएगा, के बी इंटू एम, अब जरा समझिए ना, वॉट इज के बी, इसको हम लोग बोलते हैं मोलल, मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के लिए मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फाइनली ये एक्सपेरिमेंटली हमको मालूम होता है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नाउ व्हाट इज एम, दैट इज मोलैलिटी, क्या कहलाती है वो, मोलैलिटी। अब उसको कैसे लिखा जाता है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सबको पता है दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हम इनिशियली पढ़ के आए थे, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। और अगर मैं इस चीज को रख दूं, अच्छा मोल्स को कैसे लिखा जाता है, द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहां पर क्या लिखोगे, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर मैं इसको उठा के रख दूं तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका, दिस इज के बी इंटू, अब यहां पर मोलैलिटी का फॉर्मूला रखना है, बोरा दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू क्या करोगे, केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। कई बुक्स में या ग्राम में लिखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, एक ही बात है। सो अगर आपको वेट ग्राम में दिया हो तो उस फॉर्मूले को मैं उस तरफ लिख देता हूं। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी विच इज इक्वल्स टू के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको ग्राम में दिया है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। ये आपकी बुक्स में लिखा है और फाइनली ये फॉर्मूला निकला डेल्टा टी बी का, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा, विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फटाफट से इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए चलिए गाइज, अब हम लोग हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको भी समझने के लिए सबसे पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को। तो सबसे पहले टॉपिक लगाइए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसको समझेंगे तभी ऊपर वाला समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअल में जो आप जान रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में अलग था। तो लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट, लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल्स टू, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, स्टेट लिख लीजिएगा, लिक्विड स्टेट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स, द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, हमको पता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी किसी चीज को फ्रीज करने का मतलब क्या है, आप उसको लिक्विड से सॉलिड में ला रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, तो यहां पर उसी को रिलेट कर दिया गया। देखिए किसी भी सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर उसका लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब कई लोग कहेंगे सॉलिड में कहां वेपर होती है, होती है, बहुत स्मॉल होती है, लेकिन होती जरूर है, हर एक सब्सटेंस की वेपर प्रेशर होती है, इस चीज को समझें। सो फाइनली यहां पर जब सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो उसे बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो इसको ग्राफिकली समझते हैं, चलो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। सपोज आप बड़े ध्यान से समझिएगा, सपोज यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस ले रहे हैं जिसका लिक्विड स्टेट यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उसका लिक्विड स्टेट है उस सब्सटेंस का, ठीक है, और उसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट ये रहा। तो देखिए ये उसका सॉलिड स्टेट है, मान लेते हैं,
और दोनों का वेपर प्रेशर होगा। हालांकि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा, और टेम्परेचर घटाते जाओगे तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत तेजी से घटने लगेगा। वट अबाउट लिक्विड? लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट से तो ज्यादा होगा ना। तो अब यहां पर ग्राफिकली देखिए और यहां समझिएगा बड़े ध्यान से, ये हमारे लिए वेपर प्रेशर हो गया, ये हमारे लिए टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घटता है, हम सबको पता है। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, सॉलिड का तो बहुत तेजी से घटेगा, वैसे भी सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो देखिए उसी लिक्विड का अगर सॉलिड के लिए ग्राफ बनाए तो एक्सपेरिमेंटली मान लीजिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही ग्राफ आते हैं बहुत तेजी से घटता हुआ दिखाई देगा आपको, ये देखिए बहुत तेजी से जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे उसका वेपर प्रेशर घटने लगेगा। मान लेते हैं कि हम लोग इस लिक्विड का, ये जो सब्सटेंस लिया आपने, उसके सॉलिड स्टेट का जो आपका ग्राफ बना रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, ग्राफ ऐसा है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपने घटाया वेपर प्रेशर बहुत तेजी से घट रहा है। बट ये कौन सी स्टेट के लिए है? ये सॉलिड स्टेट के लिए है उस सब्सटेंस के। सबको समझ में आ गया? अब हम लिक्विड स्टेट के लिए बनाते हैं, क्योंकि यहां पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जब सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर की लाइन को कट करेगा तो वही हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट है। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए लिक्विड स्टेट के लिए भी हमने क्या किया, टेम्परेचर को घटाना शुरू किया। ध्यान से देखिएगा, उस सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट के लिए टेम्परेचर को घटाना शुरू किया तो उसका भी वेपर प्रेशर घट रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर का लाइन सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के लाइन को काट दे, तो बस वही हमारे लिए क्या होगा, वही हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। सपोज ये प्योर था, अभी तो ये प्योर लिया है आपने, तो जब प्योर का सॉलिड और लिक्विड का लाइन आपस में काट दे तो हमारे लिए वो उस प्योर सब्सटेंस के लिए क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं TF0, क्योंकि प्योर सिचुएशन पे था तो इसलिए हमने ऊपर क्या लगा दिया, नॉट। मैं फिर से समझा देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस के लिए जब उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो हमारे लिए क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। हमने कोई प्योर सब्सटेंस ले लिया, ये उसका लिक्विड फॉर्म है और ये उसका टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का लाइन है, ये उसका सॉलिड फॉर्म है और ये उसका टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का लाइन है, जब एक दूसरे को काटेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो गया, उसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें मालूम पड़ गया। चलिए अब अचानक से आपने क्या किया, आपने इस सब्सटेंस में यानी कि इसी लिक्विड के अंदर क्या करा, अब आपने इसको प्योर नहीं छोड़ा, ऊपर से आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया। क्या ऐड कर रहे हो इसमें, सॉल्यूट। अब हम सबको पता है सॉल्यूट अगर हमने डाल दिया तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर था इस टेम्परेचर पर ये, अब इसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई। तो ये फर्स्ट सिचुएशन, ये आपकी सेकंड सिचुएशन, वेपर प्रेशर में कमी आ गई ना जैसे आपने सॉल्यूट ऐड किया, तो उस पॉइंट को मैं नीचे ले गया। अचानक से जैसे आपने सॉल्वेंट के अंदर आपने जैसे ही सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट डालते ही उसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई, वो 0.1 से 0.2 पे चला गया। इस लिक्विड के लिए बात कर रहा हूं, उसकी सॉलिड लाइन तो यही है, क्लियर हो गया। तो 0.1 से 0.2 पे चला गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपने इसका टेम्परेचर का क्या करा, अब यहां से टेम्परेचर घटाना शुरू किया, घटाते गए तो वेपर प्रेशर भी घटता गया। अब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से चेक करिए, अब ये सॉलिड वाली लाइन को कहां काट रहा है, ये वाले पॉइंट पर, दिखाई दे रहा सब लोगों को, देखिए फटाफट ध्यान से। पहले वाला वन पोजीशन पे था तो ये इस लाइन पर काट रहा था, इस पॉइंट पर काट रहा था। अब ये जो सेकंड पॉइंट पर आ गया तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहा है, तो ये 1' नाम दे देता हूं और ये 2' नाम दे देता हूं। ध्यान से देखिए, अब इसको नीचे लेके जाओ, अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन हमारी यही कहती कि सॉलिड लाइन को जब उसकी लिक्विड लाइन वाला वेपर प्रेशर वाला लिक्विड लाइन वाला काटे तो अब जो हमें यहां पर मिलेगा टेम्परेचर वही उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली इसको मैं नाम दे देता हूं TF। अब जरा चेक करो, जैसे ये प्योर स्टेट में था तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था TF0, जैसे आपने इसको इम्प्योर बनाया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, दिखाई दे रहा है। तो फाइनली क्योंकि ये डिक्रीज हो गया इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब ये प्योर था तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ये था, देखिए ये दिखाई दे रहा है सब लोगों को, लेकिन जैसे आपने इसका सॉल्यूशन तैयार किया तो एक्चुअल में अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये पॉइंट पर है। जरा ध्यान से चेक कीजिए, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया एज कंपेयर टू प्योर सिचुएशन। क्योंकि घट गया इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जरा चेक करो,
यहां पर जो डिप्रेशन आया है, यानी कि ये जो गैप आ रहा है, इसको हम नाम क्या देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लिख लेंगे कैसे, डेल्टा टीएफ से। अब जरा चेक करो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होगा, डेल्टा टीएफ आपको चेक करना है कि यहां पर कितना चेंज आया, डिप्रेशन कितना आया। तो कैसे चेक करोगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर टीएफ नॉट माइनस टीएफ लिखोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बड़े में से छोटे को घटाओगे तभी तो आपको पता लगेगा कि कितना चेंज आया है। तो यहां पे फर्क है, बॉलिंग पॉइंट वाले में क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट था, जबकि यहां पर क्या है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ है। सबको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से चेक करो, ये जो आप यहां पर चेंज दिखा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, एक्चुअल में वो किसकी वजह से आया, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के, और हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसी इस्तेमाल करनी है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सबको समझ में आ गया, अगेन वही चीज है। सो फाइनली अगर यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, के एफ इंटू एम। सबको समझ में आ गया, तो यहां आपका ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर जरा चेक करो के एफ क्या होता है, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, ये देखिए के एफ क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, जैसे ऊपर लिखा है मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है। पानी के लिए आपको बताऊंगा इनकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। और साथ ही साथ स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हो, द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टू पर के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वही फॉर्मूला है वापस। और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां उठा के रख दूं तो फाइनली यहां पर डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीएफ विच इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज केएफ इनटू द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया है तो आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। सो फाइनली डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यह फॉर्मूला हुआ। चलिए उन दोनों जो फॉर्मूले आपने ड्राइव किए उन दोनों फॉर्मूलों की कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, आपने दो टॉपिक पढ़े, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो टॉपिक पढ़े। तो देखिए मजेदार चीजें क्या है, एक्चुअल में दोनों के फॉर्मूले दिखने में एक जैसे है, लेकिन फर्क क्या है जरा चेक करो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी बी से, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को लिखते हैं डेल्टा टी एफ से। अब यहां पर एक माइन्यूट सा फर्क है, जरा चेक करो, डेल्टा टी बी विच इज इक्वल्स टू यहां पर लिखते हैं टी बी माइनस टी बी नॉट, समझ में आया सबको। और यहां पर डेल्टा टी एफ के केस में क्या लिखते हो, यहां पर लिखते हो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार गलती हो जाती है। यहां पर सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, प्योर स्टेट में पहले आएगा, यहां पर प्योर स्टेट वाला बाद में आएगा, कैसे आया वो मैंने आपको सिखा दिया। ये किसके इक्वल है जरा चेक करो, यहां पर आएगा एम इंटू के बी, और यहां पर क्या आएगा एम इंटू के एफ, है ना। यहां पर मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, यहां पर मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये देखिए ये दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर यूनिट चेक करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर लिखिए यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी, यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी, केएफ और केबी का यूनिट चेक करो। अगर हम लोग देखिए, अगर सिर्फ इतना ही सही फर्क है, एक्चुअली है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस दोनों जगह, तो एक्चुअल में अगर दोनों को देखें जनरलाइज फॉर्म में तो ये केएफ लो चाहे केबी लो किसके इक्वल है, डेल्टा टी बाई एम, हाँ या ना। यहां पर अगर केएफ लिखोगे तो यहां पर लिखोगे डेल्टा टी एफ बाई एम, केबी लिखोगे तो डेल्टा टी बी बाई एम, ऐसा ही लिखोगे। पर ये है तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, मोलैलिटी। तो यहां से अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहते हो तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस, और मोलैलिटी को हम लिखते हैं मोलल से, किससे लिखते हैं मोलल से, तो ये उसका यूनिट हो गया। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो केल्विन, ठीक है। और फाइनली अब जरा ध्यान से चेक करो, ये तो टेम्परेचर का यूनिट हो गया, अच्छा मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज मोल्स, ठीक है, पर के जी, पर के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्चुअल में यूनिट इसका ये भी बन सकता है केल्विन केजी पर मोल। तो आपको डेटा किसी में भी दिया हो सकता है, केल्विन केजी पर मोल में या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये हो गई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां पर कंपैरिजन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वाटर के केस में आपको मैं केएफ और केबी की वैल्यू बताता हूं। वाटर यानी कौन सा, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ भी इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। प्योर वाटर केस में केएफ और केबी की वैल्यूज को देखो जरा, और यहां से कंक्लूजन निकल के आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। प्योर वाटर के लिए केएफ का वैल्यू होता है 1.08, ठीक है, 1.08 केल्विन केजी पर मोल, यूनिट लिखा रखी है। और केबी का वैल्यू एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस पर मोलल होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं।
और यहां पर केबी का वैल्यू निकल के आता है 0.52, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हमको इनको मगअप नहीं करना है। बट सवाल ये है कि जरा ध्यान से इसको देखो कि किसी भी प्योर लिक्विड के लिए केएफ का वैल्यू हमेशा केबी से ज्यादा होगा। ये कंक्लूजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन वैल्यूज के थ्रू। रिमेंबर दिस थिंग कि मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट हमेशा मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट से कम होगा किसी भी लिक्विड के लिए। यहां पर ये वाटर की ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही है वो आपको ये दिखा भी रही है, केएफ की वैल्यू हमेशा केबी से ज्यादा होगी चाहे आप कोई भी लिक्विड उठा लो। ठीक है, यहां पर मैंने पानी लिया, आप कोई और भी लेंगे तो उसकी केएफ की वैल्यू केबी से ज्यादा होगी। सवाल है कि कैसे हो गया, तो जरा चेक करो। एक्चुअल में जो केएफ और केबी को लिखा जाता है ना, तो आपको मैं नए फॉर्मुले बताता हूं, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक के फॉर्मुले हैं, बट यहां आप देख लो फिर भी आपको काम आएगा। अगर हमें केबी लिखना है तो कैसे लिखोगे, दैट इज आर इंटू टीबी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू, यहां पर लिखते हो एलवी। घबराओ मत, आपको अजीब सा लगेगा लेकिन कुछ है नहीं। ध्यान से देखो, यहां पर केबी का फॉर्मूला ये भी होता है, अगर आप एम्स एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी करना पड़ सकता है, आपको केबी की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, यहां पर आर क्या है, दिस इज गैस कॉन्स्टेंट, घबराइए मत, देखिए जरा ध्यान से गैस कॉन्स्टेंट। टीबी क्या है, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ध्यान से देखिएगा, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और फाइनली एलवी क्या है, यहां पर एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बड़े ध्यान से देखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एक्चुअली एलवी की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एलवी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, या पढ़ोगे सब थर्मोडायनेमिक में, जब आप आगे जाओगे तो फिजिक्स में आता है ये, ठीक है। सो फाइनली डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आप इस तरह से एलवी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर केबी की वैल्यू को इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें एलवी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। अब आगे देखो, यहां पर केएफ की वैल्यू को भी इसी तरह से लिखा जा सकता है जैसे आपने केबी को लिखा। केएफ के लिए क्या लिखते हो, यहां पर लेते हो आर इंटू, यहां पर लेते हो, यहां पर देखिए टीबी स्क्वायर लगाया, यहां पर टीएफ का स्क्वायर लगाते हो, डिवाइड बाई क्या होगा 1000 इंटू एल एफ लिखते हो। यहां पे देखिए आर वही है जो यहां पर मैंने लिखा, टी एफ क्या है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और एल एफ क्या है, मैं अलग से लिख देता हूं, ये देखिए एल एफ यहां पर लिखा था मैंने, देखिए टी बी लिखा है तो वहां पर आप क्या लिखोगे, टी एफ के केस में फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज एल एफ, बड़े ध्यान से चेक कीजिएगा, एल एफ क्या है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बड़े ध्यान से समझिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फेस चेंज होता है तो जो लेटेंट हीट का मतलब हिडन एनर्जी होती है उसकी बात कर रहे हैं, फेस चेंज का मतलब जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, जो हिडन एनर्जी वहां पर होती है उसी हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ या लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हो। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जब आप लिक्विड से गैस की तरफ जाते हो। और मजे की बात देखो, आप किसी भी लिक्विड के लिए, मैं आप बॉक्स में लिख देता हूं, किसी भी लिक्विड के लिए यहां पर मेंशन कर रहा हूं, किसी भी लिक्विड के लिए आप याद रखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा ज्यादा होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, क्योंकि वेपराइजेशन में क्या कर रहे हो, आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, तो वहां पर जो हिडन एनर्जी होती है वो ज्यादा देनी पड़ती है आपको एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, दैट इज जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तब हिडन एनर्जी कितनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप खुद से देखिए, जब आप एलवी की वैल्यू एलएफ से ज्यादा है तो आपको पता है यहां पर कि एलवी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू केबी। ध्यान से देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा था इस वीडियो को, ये लास्ट पोर्शन को आप एक बार और देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। ध्यान से देखिए इसको, यहां पर एलवी की वैल्यू जो है वो केबी के एंटी प्रोपोर्शनल है। अब आप खुद ही चेक करो, और यहां पर एलएफ की वैल्यू केएफ के एंटी प्रोपोर्शनल है। अगर एलवी बड़ा तो इसका मतलब केबी की वैल्यू क्या होगी, छोटी एज कंपेयर टू केएफ, जो मैंने आपसे कहा था। देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू हमेशा केबी से बड़ा होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि हम लोग केबी को इस तरह से लिख सकते हैं, और केबी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, केएफ को इस तरह से लिख सकते हैं, एंड केएफ इन एंटी प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और किसी भी लिक्विड के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब केबी की वैल्यू हमेशा केएफ से क्या होगी, कम। मैं आपसे फिर से कहता हूं, ये 5 मिनट का जो वीडियो है
ये 6 मिनट का जो भी वीडियो बनाया उसको एक बार जरूर वापस देखें और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें और कॉपी में इसको नोट डाउन करें बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया। सो फाइनली गाइज हमारे ये 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और खत्म हो गई। अगले वीडियो में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे, साथ ही साथ लास्ट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। छोटे मोटे 2-3 टॉपिक और होंगे तो शायद मैं आपको अगली वीडियो तक खत्म करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पर ध्यान रखिएगा इस वीडियो के साथ भी होमवर्क अटैच है जिसको आपको ईमानदारी से करना है। जैसे ही आप ये वीडियो फिनिश कर लें 5 मिनट से 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद होमवर्क जरूर करें। सो गाइज अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।